अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन प्रेजेंट हियर। बहुत दिनों बाद यहाँ पे एक प्रोटेस्ट मार्च प्रोटेस्ट डाली हुआ है लॉकडाउन के वजह कर और बहुत सारे रीजंस के वजह कर कैंपस में और इधर उधर भी ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही थी, उसकी आदत हो गई थी हमें। तो इतने दिनों बाद जब नॉर्मल मोड ऑफ प्रोटेस्ट में हम चले गए तो इतने सारे लोगों को देख कर इट्स अ वेरी प्लेजेंट थिंग टू सी सो मेनी ऑफ अस गैदर्ड हियर। और अनदर रीज़न वाई दिस इज़ अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज़ कि इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं नजीब के लिए इट्स बिकॉज इट्स नॉट कॉमन। नजीब के लिए इतने सारे लोगों को इकट्ठा देखना एक अनहोनी बात है। और अनहोनी बात क्यों है मैं वो भी आपको बता दूँ कि जब 5 साल पहले जब नजीब पर हमला हुआ था और हमले के फौरन बाद जब डिसअपियरेंस हो गया था नजीब का, तो उस वक्त Nobody took any responsibility for this. कैंपस में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी हाई अथॉरिटीज हैं, किसी ने जिम्मेदारी लेके they did not take any responsibility to secure justice for Najib. So that is reason number one. It never became a popular cause. Number two, जैसे अभी वसीम ने बताया कि from day one the cause for Najib has been, you know, an untouchable cause. It's an untouchable political cause. And why is that? क्योंकि नजीब पर जिस वजह से हमला हुआ था, those reasons were always obscured by the political organizations of this campus, the student organizations of this campus. नजीब पर हमला हुआ था because he was a Muslim student. और ये बात दोहराते दोहराते हम शुरुआत से हम चिक चिक के ये बात हम कहते हैं. We've cried ourselves hoarse repeating this fact. कि नजीब पर हमला हुआ था बिकॉज ही वॉज अ मुस्लिम स्टूडेंट और ये बात और कन्हैया कुमार अरेस्ट हुआ था बिकॉज ही वॉज अ जे एन यू यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट, दोनों में बहुत फर्क है। कन्हैया वॉज अ प्रेसिडेंट एंड एवरीबडी कन्हैया टुडे इज अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। वी डोंट नीड टू मतलब एक बहुत कॉमन सेंसिकल सा जर्नी है फ्रॉम बिहार टू तिहार, दैट्स द नेम ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी। सो व्हेन समबडी फ्रॉम अ नॉन मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड gets arrested and not attacked. He was not attacked on campus. He just got arrested. When he gets arrested, when somebody from a non-marginalized background gets arrested, to uska political career ban jata hai. And everybody becomes a Kanhaiya fan. Main nahi keh rahi hu ki don't become a Kanhaiya fan. But look at the other things which happen in this campus. And the other thing, the politically unpopular, the politically untouchable cause is the cause of Najib Ahmed. Aur is par hamla hua tha. And he was attacked, like I said, like I've been saying from the beginning, because he was a Muslim student. और इस बात को accept करने में, इस बात को acknowledge करने में, लोगों को इतनी परेशानी क्यों होती है? हर जगह आप कहीं भी कोई भी एक reason, I mean even the former Vice President of India, जब वो कोई एक Muslim vulnerability की बात कहे थे, तो सबको इतना बुरा लग गया था। The political establishment was very angry with him. ये बात एक बहुत पैराडॉक्सिकल बात है ना ये कि हमला भी होगा मुसलमानों पर और जब कोई भी मुस्लिम चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो इंडिया का वो भी अगर ये बात कहे कि मुस्लिम्स आई मीन इवन इफ इन अ वेरी पॉलिटिकली हल्के से इट्स नॉट बहुत पैशनेटली बहुत ये बहुत वसीफरसली नहीं कहे थे पर हल्के से कहे गए कि मुस्लिम्स आर नॉट सेफ इन इंडिया तो ये बात सबको बहुत करती बहुत परेशान हो जाते हैं सारे लोग। And it's the right wing. Let's remind ourselves. It's the right wing dispensation who does not like to accept the fact that Muslims in India are not safe. Be it Muslims in India or be it Muslims in JNU. Sometimes people like to believe that JNU is very different from India. But disappearance of Najib Ahmed ke baad, hum logo ko pata chal gaya ki JNU is very much part and parcel of that political establishment of India in which Muslims are not safe. But that is the paradoxical nature of this situation. Ke the moment. The moment a Muslim is victimized, attacked, and forcibly disappeared, उसके आसपास जो भी मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, जो भी मुस्लिम नौजवान हैं, अगर वो ये बात एम्फसाइज करते हैं कि देखो इस बंदे पर हमला हुआ क्योंकि वो मुस्लिम था, इस बात को पहचानिए और इस बात को पहचानिए क्यों, ताकि जितने भी लोग मुसलमान होने के बावजूद मुस्लिम होने की वजह से उन पर हमला किया जा रहा है, that can be stopped. That is the reason why his identity is focused. That is the reason why his identity is brought up.
ताकि ये हमला बंद हो सके, ताकि दिस विक्टिमाइजेशन कैन स्टॉप. दैट इज द रीजन व्हाई दिस आइडेंटिटी इज फोकस्ड सो मच. लेकिन दैट इज अ पैराडॉक्सिकल नेचर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया. और आप पिछले साल के वो कम्युनल वायलेंस जो दिल्ली के में हुए, दैट इज द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एग्जांपल कि जो जो लोग एफआईआर जाने की जरूरत किए हैं तो दिल्ली पुलिस उनको जाके जेल में भर दिया गया. दैट इज अ पैराडॉक्सिकल नेचर ऑफ मुस्लिम वल्नरेबिलिटी इन कैंपस. फैलू खान वॉज किल्ड इन अ लिंचिंग, बट देन ही वॉज बुक्ड अंडर laws which prohibit cow slaughter in India. That is the paradoxical nature of Muslim victimhood in India today. Shame. And usme aur isme koi fark nahi hai. Rajiv par hamla hua and the next day itself wo jis hostel mein rehte the us hostel ke warden, senior warden wagera aur including the then university president Pandey ji, वो सब मिलके डिसाइड किए कि नहीं हमला तो नजीब ने शुरू किया था, उसने हाथ उठाया था इसीलिए. एंड गेट दिस, ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम दैट हॉस्टल. कभी नहीं होता है ये. हमारे कैंपस में बहुत सारे एक्टिविस्ट्स हैं जिन पर हॉस्टल से निकाल देने का एक पनिशमेंट दिया जाता है, बट इट्स अ वेरी अनजस्ट प्रोसेस. लेकिन देयर इज अ प्रोसेस. पहले आपके पास एक शो कॉज नोटिस आएगा, फिर एक प्रोक्योरल इंक्वायरी आएगी. इट्स अ वेरी पैथेटिक प्रोसेस. लेकिन देयर इज अ प्रोसेस. वो प्रोसेस भी नहीं फॉलो किया था नजीब के केस पर. बस इट्स जस्ट फाइव सिग्नेचर्स एंड दैट्स इट. नजीब स्टैंड्स एक्सपेल्ड फ्रॉम दिस हॉस्टल जहाँ पे हमला हुआ था. किसी ने मुड़के भी नहीं देखा कि बंदे पर हमला हुआ था, उसने वाकई हमला किया था, इस पर हमला. एंड द नेक्स्ट डे ही वाज नोवेयर टू बी फाउंड. मैं सोचती हूँ कि वो लोग जो नजीब को गुनहगार ठहराए थे, क्या वो कभी, हाउ डू दे स्लीप एट नाइट? वो कभी अपने जमीर से कभी पूछते हैं? डू दे एवर आस्क देमसेल्व्स कि जिस बंदे को हमने गुनहगार ठहराया वो तो अगले दिन से मौजूद भी नहीं है कैंपस में. एंड टुडे 5 years have passed, ही इज स्टिल नॉट कम बैक. और मैं एक बात और कह के अपनी बात खत्म करूंगी. 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे, उसमें एक बहुत इनफेमस सा केस हुआ था ऑफ अ गैंग रेप केस, बिल्कीज़ बानो. बिल्कीज़ बानो का केस बहुत ही दिलचस्प केस है, क्योंकि इफ यू सी द नेचर ऑफ वायलेंस व्हिच हैपेंड अगेंस्ट बिल्कीज़ बानो, 16, मैं भूल रही हूँ एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल हु वर किल्ड इन अ फैमिली, उसके 16 या 15 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली उन्हें कत्ल कर दिया गया. शी वॉज गैंग रेप्ड. एंड द जस्टिस फॉर बिल्कीज़ 2002 से लेकर 2017 15 साल लग गए जस्ट टू से कि इसके साथ गुनाह हुआ है, इसके साथ गलती हुई है. एंड द पीपल हु आर गिल्टी ऑफ बिल्कीज़ बानोज रेप शुड बी सेंटेंस्ड. मैं बिल्कीज़ का केस इसलिए यहाँ पे आपको बता रही हूँ क्योंकि बिल्कीज़ बानो सेट दिस वन लाइन के आई हैव फुल फेथ इन द इंडियन जुडिशरी. और ये एक लाइन बहुत सारे मुस्लिम्स से दिस, मुस्लिम्स हु आर declared to Muslims who are Muslims who are arrested, who are put in long terms of prison sentence mein open, bahut saalon baad unhe kaha jata hai ki okay koi ye nahi hai, there is no case against you, but still half of their lives have been in jail. Aur unke family members se agar kabhi unke testimonies dekhiyega to wo bhi kehte hain hame Indian judiciary ki pura full faith, we are full faith in the Indian judiciary. To ye the trustworthiness of the Indian judiciary is something which इट्स वो हमें कहा जाता है टू ऑल ऑफ अस. वी आर एक्सपेक्टेड टू बिलीव दिस दैट द इंडियन जुडिशरी इज ट्रस्टवर्दी, दैट द इंडियन लीगल सिस्टम इज ट्रस्टवर्दी, एज इफ इंडियन डेमोक्रेसी को ये एक जिद है कि नहीं हम तो नथिंग रॉन्ग विद अस, एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद अस एट ऑल. लेकिन इस केस में देख लीजिए, हाउ डिड द लीगल केस फॉर पोलिटिकल केस प्रोटेस्ट वगैरह, तो मैं आपको बता दी हूँ, जैसे मैंने कहा शुरुआत में there was very little support for Najib. Legal case में क्या हुआ? दिल्ली हाई कोर्ट, सॉरी दिल्ली पुलिस से लेकर एक SIT बनी, SIT से लेकर CBI में इन्वेस्टिगेशन चला गया, और इन्वेस्टिगेशन वॉज बींग मॉनिटर्ड बाई द हाई कोर्ट. CBI हाई कोर्ट मतलब दिस इज द CBI इज द हाईएस्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, और दिल्ली हाई कोर्ट उसे मॉनिटर कर रही थी. एंड टू वॉट रिजल्ट 2018 में 2 years have passed. 2 साल में तो कुछ आप नतीजा निकालेंगे ना, what has happened? एक ही बंदे को ढूंढ के निकाला, that's it, it's not a big deal. 2018 में लेकिन the CBI filed a closure report. Closure report means what? कि हम इसको और हम we cannot let this bother us anymore.
हमको इससे कोई परवाह नहीं है. और दिल्ली हाई कोर्ट, द रीजन व्हाई द दिल्ली हाई कोर्ट एक्सपोज्ड इट्स अनट्रस्टवर्थीनेस वाज बिकॉज दिल्ली हाई कोर्ट अलाउड द सीबीआई टू फाइल अ क्लोजर रिपोर्ट. और जब राजीव के अम्मी मुसलसल कह रही थी कि इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुआ, और बाकी में इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन में एक काम करना था कि वो लोग जो बंदे जो लोग नजीब पर हमला किए थे उनके फोन चेक करना. जस्ट इट्स सो सिंपल समथिंग टू डू. आपस में हम एक दूसरे के फोन किसी समथिंग सो क्या कहते हैं सो मंडेन, और वो एक काम नहीं कर सके थे वो लोग. इन्वेस्टिगेशन करते वो लोग कुछ कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन नथिंग. Just because they were members of the student organization belonging to the ruling party of this country. So investigation, waqai mein, this was slow and tardy investigation ko theek se nahi kiya gaya tha, lekin Delhi High Court ne ye jo ilzam hai, aur ilzam bahut logon ka ho sakta hai, Fatima Ammi ka ye tha ilzam ki CBI ne investigation theek se nahi kiya. But Delhi High Court did not accept this accusation and it allowed the CBI to file a closure report. And to what extent? वो जो ये जो बात कहते हैं ना फेथ इन जुडिशरी, जो लोग भी कहते हैं इन जुडिशरी हैज एक्सपोज्ड इट्स नॉट ट्रस्टवर्दी एट ऑल. और आज तक 2018 में क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुआ था, द इंडियन स्टेट के लिए कोई मतलब ही नहीं है. तब से लेकर आज तक 3 years हैव पास्ड, द इंडियन स्टेट डज नॉट ऑफ कोर्स केयर अबाउट द कॉज फॉर नजीब. लेकिन द फैक्ट कि नजीब आज भी गायब है, द फैक्ट कि आज भी हम सब यहाँ पे मौजूद होके हम पूछ रहे हैं वेयर इज नजीब एंड दैट वी वांट जस्टिस फॉर नजीब, दिस इज अ क्वेश्चन विच इज अ थ्रेट टू द वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट नेचर ऑफ द इंडियन नेशन, बी इट अ सेक्युलर नेशन, बी इट अ हिंदुत्ववादी नेशन, वट एवर काइंड ऑफ नेशन इट इज. दिस नेशन विच थिंक्स दैट इट कैन डिलीवर जस्टिस एंड सिक्योरिटी to everyone, especially the minorities, because minorities, the moment they open their mouth and say we are not safe, to unko to chup kara diya jata hai. That nation is exposed. That untrustworthy nation is exposed, that untrustworthy judiciary exposed by the fact that Najib continues to be missing. Aur isiliye ye baat dohrana bahut zaruri hai ki we continue asking where is Najib and that we want justice for Najib. Shukriya.